नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज बात करने वाले सुपारी पाक के फायदों के बारे में कि सुपारी पाक खाने से आपके शरीर में क्या क्या बेनिफिट होते हैं, कौन इसे खा सकता है और क्या साइड इफेक्ट और कितनी डोज आप इसकी ले सकते हैं और किस चीज़ के साथ में आपको इसका सेवन करना है, तो सारी बातें जानेंगे आज इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाला था सुपारी पाक के बारे में, जिसमें कि आपको बताया गया था कि सुपारी पाक कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या क्या जड़ी बूटियाँ डाल के इसको तैयार किया जाता है। तो आपका रेस्पॉन्स उसमें काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे, काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे कि सर इसको लेने का तरीका किस तरह से लेते हैं, किस किस बीमारी में ये काम आता है, इसके बारे में वीडियो बनाइए। तो हमने आज आपके लिए ये वीडियो बनाया है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सुपारी पाक एक आयुर्वेदिक औषधि है जो कि क्लासिकल यानी शास्त्रोक्त मेडिसिन है। आयुर्वेद में दो तरह की मेडिसिन होती है, शास्त्रोक्त और पेटेंट। तो दोस्तों, सुपारी पाक एक शास्त्रोक्त मेडिसिन है जिसका निर्माण सदियों से होता आ रहा है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये बिल्कुल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा निर्मित की जाती है। तो दोस्तों, सुपारी पाक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जिसका सेवन केवल महिलाएं ही कर सकती हैं। हालांकि पुरुष भी इसका सेवन करते हैं लेकिन चिकित्सकीय देखरेख में करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका प्रयोग महिलाओं के लिए किया जाता है। जैसे कि महिलाओं में बांझपन की समस्या हो, बार बार मिसक्रेज हो जाता हो, या फिर महामारी की समस्या हो, जैसे कि महामारी टाइम से नहीं आती हो, या फिर जब भी आती है तो पेनफुल आती हो, या फिर बहुत जल्दी महामारी आ जाती हो, या फिर ब्लडिंग ज़्यादा होती हो, सफ़ेद पानी की दिक्कत हो, या फिर लाल पानी की दिक्कत हो। लाल पानी से मेरा मतलब है कि जब भी आपके पीरियड्स आते हैं तो अत्यधिक मात्रा में पीरियड्स आते हैं, या फिर पीरियड के अलावा भी आपके योनि मार्ग से रक्त का श्रावण यानी रक्त निकलता रहता है, उसको रक्त प्रदर या फिर लाल पानी बोलते हैं। तो इन सभी समस्याओं में आप सुपारी पाक का सेवन कर सकते हैं। और भी कई सारी गर्भाशय से संबंधित यानी यूट्रस से संबंधित समस्याओं में आप सुपारी पाक का प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कितनी मात्रा आपको इसकी सेवन करना है और किस चीज़ के साथ में आपको इसको लेना है। तो दोस्तों, एक एक चम्मच सुबह शाम इसकी मात्रा दूध के साथ में सेवन करने के लिए बताई गई है शास्त्रों में, और आप इसका प्रयोग सुबह शाम कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेने में भी अच्छा है। इसका स्वाद थोड़ा सा कसैला होता है क्योंकि इसमें प्रधान जो औषधि होती है वो सुपारी होती है, बाकी और भी कई सारी औषधियाँ इसमें डाली गई हैं। ऊपर आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं कि सुपारी पाक कैसे बनाया जाता है और क्या क्या जड़ी बूटियाँ इसमें डाली गई है। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, सुपारी पाक सेवन वो महिलाएं भी कर सकती है या फिर वो युवतियाँ भी कर सकती हैं जिनका शरीर अत्यधिक दुबला पतला है, उनकी कमर में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, खून की कमी रहती है, थकान रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, या फिर आलस रहता है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, तो वो औरतें भी इसका सेवन कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं, बेझिझक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, वैसे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका सेवन करते समय अपने चिकित्सक या डॉक्टर से एक बार जरूर सलाह ले लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। फिर भी आपको इसके सेवन करने के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन होता है या फिर कोई साइड इफेक्ट आपको नज़र आता है, तो आप इसको तुरंत बंद कर दें और अपने चिकित्सक से ज़रूर सलाह लें। तो दोस्तों, ये थे सुपारी पाक सेवन करने की विधि और क्या क्या काम आता है और ये इसका क्या डोज है, तो आज हमने इस वीडियो में बात की है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको क्या बीमारी है, या फिर हमें अगला वीडियो किस टॉपिक पर लेके आना चाहिए, हम उसी टॉपिक पर अगला वीडियो लेके आएंगे। तो अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और अपने परिवार में शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके और सभी को ये जानकारी प्रदान हो सके। तो मिलते हैं अन्य किसी टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद, जय भारत।